जिस घर में भी बच्चा नशे के गिरफ्त में आ रहा है वो घर सामाजिक तौर से देखा जाए तो अलग थलग पड़ जा रहा है, क्योंकि बाबू जाके बाहर किसी से मारपीट कर देंगे, कुछ चुरा के बेच देंगे। किसी ट्राइब ब्लॉक में अगर वो एक छोटे मोटे कल कारखाना, ये मैं नहीं कहता हूं कि मारुति और ट्रक और रेलवे यहां पे बैठा दीजिए, मैं कहता हूं एक गमछा बनाने की फैक्ट्री भी अगर आप डालते तो उसमें 30-40 लोग 50 लोग ऐसे छोटे छोटे अगर आप इंडस्ट्रीज के। लेकिन पलायन की जो समस्या है हमारे सिवान की, जो पिछले कई दशकों से समस्या से जूझ रहे हैं हमारे सिवान, और आज भी लोग ज्यादा की संख्या पलायन कर रहे हैं, क्या रीजन इसका? देखिए आप ये मुद्दा रहा है हम रोजगार देंगे गरीबी दूर करेंगे, ये मुद्दा आज से नहीं है, पिछले 30-35 साल से ये मुद्दा चलते आया कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे हम रोजगार देंगे। क्षेत्र में सबसे सस्ता सबसे सुंदर एवं आकर्षक पलंग कुर्सी टेबल डाइनिंग टेबल इत्यादि सभी प्रकार के फर्नीचर मिलेंगे नागेश्वर फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पता उसरी तारी रोड सिसवा कला के मठिया। फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवान न्यूज में। बता दें कि पूरे बिहार में जिस प्रकार से राजनीति की जो चर्चाएं हो रही है, लोकसभा का चुनाव जो है काफी नजदीक है और उससे भी कहीं ज्यादा बिहार की राजनीति की दिनों पूरे देश में चर्चाएं हो रही है। प्रकाश मणि तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूरे सिवान में इन दिनों इनकी भी चर्चाएं हो रही है और ये एक अलग मुद्दा लेकर आए हुए पूरे सिवान में। जिस प्रकार से बता दें कि पूरा देश इन दिनों जाति धर्म इन सब चीज़ों पे पूरे देश में राजनीति हो रही है, लेकिन प्रकाश मणि तिवारी जी इन सब चीज़ों से हटकर एजुकेशन और तमाम तरह के जो हमारे देश जो है और पिछड़ेपन का जो शिकार हुआ है और पिछले 6-7 दशकों में उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सिवान की जो स्थिति रही है पिछले दिनों की अगर आप देखें और डेटा उठाकर, तो जिस तरीके से सिवान को और जिस ऊंचाई पर होना चाहिए था और जो पैराग्राफ इसका उठना चाहिए था, लेकिन डे बाई डे इसका पैराग्राफ जो है विकास का नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा इनका मुद्दा है और इस मुद्दे के लेकर हमेशा चर्चा का विषय बन रहते हैं। लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है और ये लोकसभा का निर्दलीय प्रत्याशी भी है प्रकाश मणि तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। प्रकाश मणि तिवारी जी, आप इससे पहले डेटा साइंटिस्ट हैं और लगातार विदेशों में आप अपनी सेवाएं दे रहे थे। हमारे सिवान से भी बिलोंग करते हैं आप, सिवान आए, क्या क्या आपको कमियां दिखी सिवान में कि आप राजनीति में डायरेक्ट एंट्री कर दीजिए? देखिए कोरोना एक ऐसा दौर आया जिसमें लोगों को अपने घर पे रहने का मौका मिला, तो 2020 में जब मैं घर आया यहाँ पे तो रहते रहते मुझे समझ में आए चीजें, समस्याएं दिखनी शुरू हुई एक्चुअली, और दिखनी शुरू हुई तो फिर उसमें धीरे धीरे आप उसको शॉर्ट आउट करने के, अगर आप एक हेल्दी माइंड है, अगर आप सक्षम है, सबल है, लायक हैं, तो ऑब्वियसली ये नेचुरल है कि आप उस समस्याओं को सोचेंगे कि कैसे मैं शॉर्ट आउट करूं। तो आने के बाद मुझे दिखा कि सबसे ज्यादा जो बच्चे, जो नए बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप उठा ले आप, जैसे लोग बच्चे न्यू जनरेशन 14 to in between 25, मतलब इतने यूथ जो है, कहीं ना कहीं मुझे दिखा कि मतलब नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं, स्माइक गांजा और बहुत से मतलब मेडिसिन है जो ले रहे हैं, मतलब सूखा नशा उसको बोलते हैं, और ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई बच्चा 2 to 3 साल अगर लगातार नशा कर लेता है तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, दो मतलब वो जिंदा है इस लाइफ बट ऐसा है कि वो मरे हुए के समान है, वो घर वालों को इतना टॉर्चर करता है कि आप जाके पूछिए जिसके घर में भी एक बच्चा नशे के गिरफ्त में है, नशेड़ी है, साथ साथ में 3 to 4 साल के अंदर उनका डेथ होना भी निश्चित है अगर उस पर तुरंत अगर हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो। 90% केसेस में क्या होता है, पेरेंट्स इतने असबल हैं, उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी सामाजिक स्थिति कही है कि वो उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं ना उसको कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि सब यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से और लोअर क्लास से बीच वाले जो वो यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, मतलब देखा जाए तो लोअर क्लास को तो छोड़ ही दीजिए, बेचारे तो कुछ कर ही नहीं पाए, मतलब हमारा जो हम लोग जिस वर्ग से मैक्सिमम लोग बिलोंग करते हैं, ना वो लोअर क्लास में है ना मिडिल क्लास में, न्यू मिडिल क्लास में है लोग, तो उनके पास ऐसी संसाधन नहीं है कि वो नशा मुक्ति केंद्र में भेजें या वो इनिशियली उसको डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट में ले जाएं। तो जिस घर में भी बच्चा नशे के गिरफ्त में आ रहा है वो घर सामाजिक तौर से देखा जाए तो अलग थलग पड़ जा रहा है, क्योंकि बाबू जाके बाहर किसी से मारपीट कर देंगे, कुछ चुरा के बेच देंगे, किसी क्राइम में संलग्न हो जाएंगे, तो सामाजिक तौर से वो घर कमजोर हो गया। आर्थिक तौर से अगर ऐसी स्थिति कि बच्चे घर का तावा तक उठा के बेच के नशा कर रहे हैं, तो और मानसिक तौर से जिस घर में भी ऐसा एक पेशेंट हो जाए, एक नशेड़ी हो जाए, तो घर में जो अच्छे लोग भी वो मानसिक
तरह से काफी पीड़ित हो जाएंगे। तो ये समस्या मुझे दिखने को मिली। फिर मुझे दिखा कि मतलब जो पलायन वाली समस्या थी, लोग कैसे टीवी में दिखा रहा था, कैसे लोग आ रहे हैं, और मुझे देखने को भी मिला मेरे गांव और अगल बगल के लोग कैसे पैदल गुजरात से चल के आए, कैसे पलायन की जब बात आप कर दिए प्रकाश जी, जिस प्रकार से देखा जाए हमारे सिवान की आबादी लगभग 40 लाख आबादी है, 33 लाख के आसपास, 11 के अकॉर्डिंग था, लेकिन अभी 40 लाख पहुंच चुका है। लेकिन पलायन की जो समस्या है हमारे सिवान की, जो पिछले कई दशकों से इस समस्या से जूझ रहे हैं हमारे सिवान, और आज भी लोग ज्यादा की संख्या पलायन कर रहे हैं, क्या रीजन इसका? देखिए, आप पिछले 30 साल का इलेक्शन का कोई भी अगर आपको पेपर या एडवर्टाइजमेंट या आपको कहीं भी इविडेंस मिले यूट्यूब वगैरह पे, तो यूट्यूब एक्चुअली पॉपुलर हुआ 2009 के बाद से मैक्सिमम देखा जाए तो, लेकिन उससे पहले पेपर या जो भी आप मुद्दा उठा के देंगे तो लोगों का ये मुद्दा रहा है हम रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे। ये मुद्दा आज से नहीं है, पिछले 30-35 साल से ये मुद्दा चलते आया कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम रोजगार देंगे, करेंगे। तो जो भी नेतृत्व आए हमारे यहाँ उनका फोकस कभी इस पे रहा ही नहीं, बस ये स्लोगन था लोगों को मोटिवेट करने का कि वोट हमें दो। अगर जो भी नेतृत्व पिछले, छोड़िए 30 साल, पिछले 15-20 साल से भी जो नेतृत्व अगर इस पे फोकस किए रहते कि हर ब्लॉक में अगर वो एक छोटे मोटे कल कारखाने, ये मैं नहीं कहता हूं कि मारुति और ट्रक और रेलवे यहां पे बैठा दीजिए, मैं कहता हूं एक गमछा बनाने की फैक्ट्री भी अगर आप डालते तो उसमें 30-40 लोग, 50 लोग, ऐसे छोटे छोटे अगर आप इंडस्ट्रीज पे फोकस किए रहते, अगर रियली आप लोगों के वेलफेयर उनके बारे में अच्छा सोचते तो। लेकिन ऐसा किसी नेतृत्व ने नहीं किया है। आप दिखा दिए कहीं भी एक इंडस्ट्री स्टार्टअप है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सब्सिडीज भी नहीं आई है, राइट? और यहां तक कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने या शिक्षा स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सब मुद्दा तो वही है, रूट कॉज तो वही है, नेतृत्व की लापरवाही है। नहीं, ज्यादातर पूरे बिहार में देखा जाता है कि रिलीजन और कास्टिज्म की राजनीति होती है, क्या लग, बहुत कई दशकों से होता आ रहा है, ये पहली बार इस बार नहीं हो रही, लगातार कई वर्षों से होता आ रहा है। जब लालू प्रसाद यादव उस समय कास्टिज्म और रिलीजन की राजनीति होती थी, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा की संख्या में इस तरह से राजनीति की जा रही है। देखिए, रिलीजन एक ऐसा चीज है कि ऑन बर्थ हमारे ब्लड में हो रहता है, जिस दिन से हम लोग जन्म लेते हैं जिस रिलीजन में उसी के बारे में हमें बताया जाता है। अगर आप मतलब साइंटिफिक वे में सोचेंगे तो, मेरे लिए मैं एज ए न्यूट्रल सोचता हूँ तो, आपके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड कौन होता है? आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उनकी बातों पे आंख बंद करके हम लोग भरोसा करते हैं। तो वो जो चीजें हमको इंप्लीमेंट की जाती है हमारे ब्रेन में वो रहता है। तो अगर जिस चीज पे सबसे ज्यादा आपको फेथ है, अगर उसको उसी पे हम बात करें तो आपका फेथ डबल हो जाता है, या हिंदुइज्म हो या मुस्लिमिज्म हो या आपका सिखिज्म हो, कोई भी किसी को उठा लीजिए, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उस पे आपका फेथ है, और उसी के बारे में अगर आपको बताया जाए उसके गुडनेस के बारे में, और उसको कहा जाए कि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा, हमारे बाप दादा हजारों साल से इसको बचाते आए हैं, अगर हम लोग नहीं करें तो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या होता है, लोगों के अंदर वो खोल जाता है खून की, भाई एनी हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, अगर हम आगे नहीं आएंगे तो ये खत्म होने वाला है, कल ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो हाईर ब्रेन वाले लोग हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से उनको पता है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करें जब वोट में। तो इलेक्शन के समय क्या होता है, हमारे आपके दिमाग में रहता है कि अगर हम इनको वोट देंगे तो हम बच जाएंगे, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली धर्म हमारे अंदर है, कोई कहे ना कहे वो तो हम अपना, हमारे बच्चे भी जिस उसको एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हमारी इनहेरिटेंस में चीजें चलती आ रही है। तो ये सब चीजें समाज में समय समय पर अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ फैक्ट भी है, जो कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ जाना पड़ता है, लोगों को दिखता है वैसा है कि भाई ये गलत हो रहा है। प्रकाश जी, चुनाव से पहले तमाम तरह के मैनिफेस्टो में देखा जाता है कि सारे लोग एजुकेशन पे बात करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव जीतते हैं एजुकेशन पे कोई इम्प्लीमेंट नजर नहीं आता है किसी भी नेता को, जैसे बदहाली पिछले कुछ दिनों में थी सेम उसी तरह उसी प्रोसेस पे सारे लोग चल रहे हैं। देखिए, आप उठा के देख लीजिए जो भी नेतृत्व, उनका क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उनका लाइफ में अचीवमेंट देख लीजिए, आप उन्होंने क्या किया है लाइफ में, मतलब एजुकेशन के फील्ड में, या पर्सनली वो एजुकेटेड कितना है, मतलब डिग्री तो किसी तरह है लेकिन क्या अचीव किए हैं। जिस सांसद या विधायक को लोकसभा या विधानसभा में दो शब्द बोलने नहीं आता, वैसे लोग को अगर हम लोग चुन के भेजेंगे तो क्या करेंगे शिक्षा के लिए। आप उठा के देखिए 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कोई भी ऐसा नेता है जो सांसद भवन में अपने लोगों की समस्या को सीमांत से जाकर रखता हो,
दो शब्द बोलने में उनको पसीना गिरने लगता है, वो कांपने लगते हैं, कमन वो कैसे आपके समस्या को रखेंगे, मुझे बस इस चीज का आप जवाब दे दीजिए। अब उठा के देखिए, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूं, अब ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए लोकसभा टीवी का, कोई भी सांसद है जो बढ़िया से आपकी समस्या को रखा हो? नहीं रख सकते, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना कि क्या बोलना है। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी खुली है जब से मोदी गवर्नमेंट है, एक भी यूनिवर्सिटी आपके सिवान में आया नहीं है। इतने सारे हॉस्पिटल CEO खुले हैं, बहुत सारे जन कल्याण के चीजें जो दूसरे स्टेट में इंप्लीमेंट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। आपके यहाँ हुआ है क्या? ये जो रोड, जिस रोड पे आप बैठे हैं, तरवाड़ा वाला रोड है, पटना जाती है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की संख्या इस रोड पे है। रोज हमारे जो BJP या JDU या राजद सबके MP MLA विधायक रोज इससे आते जाते हैं, क्या उनको दिखता नहीं है कब किसका बच्चा रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाए? इसमें डिवाइडर नहीं है, इसका रोड का चौड़ीकरण नहीं हो रहा है, ये आज से नहीं, ये समस्याएं पिछले 20-30 साल से हैं, लेकिन इस पे ध्यान किसी का नहीं जाएगा, है ना? तो ये सब चीजें तो